साउंड बंद कर दो ना तो ढेंग ढेंग पता चल जाता है। नहीं, 100 रुपया देने आई थी आपको। पता क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको बैंड्रा में डांस करते देखा था सड़क पे एक बार। तब मैं दे नहीं पाई, मैं गाड़ी में थी। मैं तब भी दे सकती थी, लेकिन ना कोई बड़ा स्टार गाड़ी से उतरे तो भीड़ लग जाती है। वैसे आपको पता, आपकी फिल्म में मस्तानी मैं ही बनने वाली थी। सच्ची, मैं ही हूँ मत मस्त मस्तानी। मैंने बहुत सारी फिल्में भी की है, जीजा की जवानी, साली मस्तानी। उसमें जो साली है ना, वो मैं बनी थी। लेकिन ना बंसाली साहब ने मुझे 2 दिन शूटिंग कराई और फिर निकाल दिया। कहते घोड़ों के सारे चने तू ही खा जाएगी तो घोड़े क्या खाएंगे। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। कहते जंग में जो घोड़े जख्मी हो गए ना, तो उनको एम्बुलेंस तक लेके जाई। फिर मैं घोड़ों को ऐसे करके उठाती थी और हॉस्पिटल छोड़कर आती थी। वैसे एक बात बताऊं, मैंने एक बार उनको देखा भी था, घोड़े को ऐसे पकड़ के कह रहे थे, देख भैया जैसे ही मैं एक्शन बोलूं एक्सप्रेशन सही देना। मैंने कहा हेलो बंसाली सर, मैं क्या वो घोड़ा है, अब उसको क्यों बता रहे? कहते नहीं, रणबीर के साथ मैंने काम किया, उसका मुझे पता है, इसको समझा रहा हूं, कोई तो सही करे। बहुत बड़े बड़े लोग शूटिंग देखने आते थे हमारे, पता रणबीर एक बार ना ये भी आई थी आलिया भट्ट, आते ही बंसाली साहब को कहती है आप चीटर हो, आपने गलत किया, ऐसा ये रूल के खिलाफ है। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? कहते घोड़ा 2.5 चाल चलता है, आपने तो भगा दिया इसमें। क्या बात है, क्या बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपरस्टार रिपोर्टर। यू नो मैं बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू लिखता हूँ, पता है। पर आज मैं किसी स्टार का नहीं, रणवीर का इंटरव्यू लेने आया हूँ। ए क्या होता है, तुम क्या हंस रहे हो? सुपरस्टार है वो, मेगा स्टार है वो। तुमने सुना यार, लेकिन दीपिका का इंटरव्यू मत लेना। क्यों? उसकी सारी बातें मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं भी तो दीपिका जैसी दिखती हूँ। तू दीपिका जैसी दिखती है? हाँ। कहाँ से? अरे जितना टाइम उसको पैर से लेके ऊपर तक देखने में लगता है ना, उतना टाइम मुझे घूम के देखने को लगता है, समझे? ये सारी बातें छोड़, तेरे को पता है दीपिका ने इस फिल्म में एक्शन किया है तलवार के साथ? अरे भैया वो एक्शन नहीं है, मैं बता दूं दीपिका वो क्या था, ऐसे तलवार लेके भागती है ना, वो बंसाली साहब के पीछे भागी थी। क्योंकि बेचारी का चेक ही नहीं दे रहे थे, गुजराती है इसने कहा वो कहते ये ले चेक। पता क्यों क्योंकि हमारा भी प्रोड्यूसर गुजराती है ना, आप तो तलवार लेके भागी थी, उसने चेक दे दिया, हमारे जब तक कट ना मारो ना वो चेक ही नहीं देता। बट एक पर्सनल बात पूछनी थी, तू रणवीर को जानती है ना? बहुत अच्छी तरह। ये रणवीर का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अरे सब लोग यही कहते हैं, बहुत ऑनेस्ट है। अरे बिल्कुल भी झिझकता नहीं, सबको बताता कि यस मैं हूँ रिलेशनशिप में, और आज भी यही बोलेगा। दीपिका के साथ बैठे हैं और ये दिल खोल के बोलेंगे कि यस मैं हूँ रिलेशनशिप में अर्जुन कपूर के साथ। यार भारती तू तंग मत कर यार, ढंग की बातें कर। मैं एक सवाल बताता हूँ। फिल्म में ना इन्होंने बहुत सारे जानवर यूज किए हैं। बहुत। क्यों? हाथी घोड़े इतने यूज किए कि जब ट्रेलर देखो ना, हाँ। ऐसे लगता है हाथी घोड़े मेन लीड है या जूनियर आर्टिस्ट है। तूने एक बात बता, इनकी एक फिल्म आई थी लुटेरा, तूने देखी? हाय 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 क्या कमाल की फिल्म थी। मेरी फेवरेट फिल्म है वो। मेरी खुद की फेवरेट है यार। जब मैं फिल्म देख के बाहर आई ना थिएटर से, हर एक बंदे की जुबान पे एक ही था, लुटेरा लुटेरा। ऑब्वियसली इतनी अच्छी। एक मिनट, फिल्म अच्छी थी तो लोग लुटेरा लुटेरा बोल रहे थे? नहीं, फिल्म का तो मुझे पता नहीं, अच्छी अच्छी, लेकिन लुटेरा लुटेरा इसलिए बोल रहे थे और कह रहे थे हमारे 300 रुपए लुटेरा, हमारे 300 रुपए लुटेरा, हमारे 300 रुपए लुटेरा। यार उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं भारतीय। अरे कमाल, मतलब बंदे ने आते ही छा गया है। पहली फिल्म बैंड बाजा बाराती सुपर हिट, दूसरी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल, ओए होए होए, मैं कहती हूँ एक्टिंग में दम है अनुष्का शर्मा की, कमाल करती है। यार चल तू एक्टिंग छोड़, इनका हेयर स्टाइल देखा फिल्म में? तेरे को पता है बाजीराव हेयर स्टाइल फेमस हो गया है। मत बात कर, मेरा आज भी यहाँ पे दुखता है पता। कल की बात है, मैंने 3 गंजे देखे, मैंने कहा क्या बात है, ट्रेलर आए और बाजीराव का देखो हेयर स्टाइल फेमस हो गया। इतना मारा ना सर मेरे को, कहते हमारा दादा मर गया, तेरे को बाजीराव सूझ रहा है।